नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी के साथ, डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसका सिंबल क्या होगा, ए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट होगा 1 लीटर, फॉर एग्जाम्पल 1 केजी, उसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिक्स होगा, वो उस सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl और KCl, इन दोनों को मिक्स किया आपने 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, इन दोनों में जिसकी परसेंटेज मिक्सिंग की ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट आर मिक्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लास प्लस टू के अंदर हम दो टॉपिक की बात करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले नंबर 1, सॉलिड इन लिक्विड, इसके अंदर आपको दो प्रोसेस पढ़ने होंगे, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 1, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले आपने दो टर्म सुनी होगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके अंदर क्या था, अगर आपके पास कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा हो, मान लीजिए आपने कोई NaCl लिया और वाटर में मिक्स किया और वो मिक्स होता रहे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अगर वो NaCl उस वाटर के अंदर मिक्स होना बंद हो जाए, यानी कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर मिक्स, आफ्टर दैट नो सॉल्यूट इज मिक्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। इसके अंदर मिक्स होना क्या हो गया, वो बंद हो गया और इसके अंदर मिक्स होगा, तो डिस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उस सॉल्यूट के प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके बाद कोई और सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर मिक्स होना और इसके अंदर उसके पीपीटी बन जाना, किसके पीपीटी, सॉल्यूट। तो दो प्रोसेस होंगे जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डिपेंड, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर वो मिक्स होंगे तो क्या बनेगा हमसे, सॉल्यूशन। और कौन से प्रोसेस से मिक्स होंगे, वो नंबर 1, डिस सॉल्यूशन। अगर वो मिक्स होने बंद हो जाए तो फिर से सॉल्यूट की पीपीटी बाहर आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक, और एक इसका सिंबल होता है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। In which it is a stage at which the process of dissolution and crystallization both are same. इसके बाद हम बात करेंगे कि solid in liquid कितना mix होगा, कौन से factor के ऊपर depend करेगा। Number 1, nature of solute and solvent। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, पोलर कंपाउंड होंगे,
पोलर सोल्यूट होंगे, आप बोल सकते हो वो सिर्फ किसमें मिक्स होंगे, पोलर सोल्वेंट के अंदर मिक्स होंगे। इसी टाइप से नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो किसमें मिक्स होंगे, नॉन पोलर सोल्वेंट, फॉर एग्जांपल बेंजीन, एसीटोन। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें किसको, NaCl एंड शुगर, NaCl एंड शुगर, तो दोनों में से वाटर के अंदर कौन मिक्स होगा, तो कॉमन साल्ट जो होगा NaCl वो वाटर में ज्यादा मिक्स होगा एज कंपेयर टू द शुगर। इसके अलावा आपने सुना होगा नेप्थलीन, नेप्थलीन और एक कंपाउंड होता है एक बेंजीन का एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एंथ्रेन्स। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होंगे। ये वाटर में मिक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये कौन से कंपाउंड हुए, बिल्कुल ठीक कौन से हुए, नॉन पोलर। बिकॉज नॉन पोलर कंपाउंड आर ऑलवेज मिक्स इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नंबर दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर आपको दो प्रोसेस पता होने चाहिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक वो होगा कि प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, दिस सॉल्यूशन। अभी आपने पढ़ा था कि इसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, मिक्स होगा। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या था, क्रिस्टलाइजेशन। क्या था दूसरा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, सोडियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड KCl, जितने भी कंपाउंड लिखे मैंने आयनिक कंपाउंड, इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर को हम करेंगे इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आल्सो इंक्रीज, बिकॉज दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या था, हीट हम देंगे, अब हीट देंगे तो क्या होगा, उसकी मिक्स होने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन कंपाउंड के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज इन दिस प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इसके बाद सेकेंड की बात करें तो लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, तो इन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो डिसोल्यूशनेबल प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज इन दिस कंपाउंड डिसोल्यूशनेबल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इन विच हीट इज रिलीज। इसी बात को एक साइंटिस्ट, इसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसने बताया था कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर हीट का इवोल्यूशन होगा, हीट निकलेगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो हम इसी बात में पढ़ चुके हैं। अगर किसी प्रोसेस के अंदर हीट अब्सॉर्ब्ड होगी तो उस प्रोसेस के अंदर मिक्स होने की पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल।
अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर काफी कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर इरेगुलर बिहेवियर आएगा, यानी कि उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, नॉट कंटिन्यूइंग, नॉट कंटिन्यूइंग, या तो वो इंक्रीज नहीं होगा नहीं तो वो डिक्रीज नहीं होगा, कभी वो इंक्रीज होगा कभी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4.10 वाटर, अगर इसके ग्राफ की बात करें ग्राफ में क्या होगा, एक तरफ तो क्या होगा टेम्परेचर और एक तरफ क्या होगा उसके मिक्स होने की पावर एबिलिटी टेंडेंसी। जब बढ़ाने से पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, और 32.8 डिग्री सेल्सियस इससे टेम्परेचर ऊपर होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे चेंज आया उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल सकते हो अभी इसको, टेम्परेचर एट विच देयर इज चेंज इन द प्रोसेस। तो पहले तो क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से मिक्स होने की पावर क्या थी, इंक्रीज हो रही थी, बाद में क्या होगी वो डिक्रीज होगी। हम बात कर रहे हैं इस कंपाउंड की Na2SO4.10 वाटर, ऐसा चेंज क्यों आया, जैसे हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल ना इवेपोरेट हो जाएंगे, ऐसा होते ही इसकी सॉल्युबिलिटी फिर से क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। उससे पहले क्या था, इट्स सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज विद टेम्परेचर, वो कितने टेम्परेचर तक वो इंक्रीज हुई थी, 32.8 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक एग्जांपल और होगा, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले इसके टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होंगे, फिर से हीट करेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर टू ट्रांजिशन टेम्परेचर बनेंगे, तो इसका ग्राफ बनेगा पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, दो चेंज आएंगे इसके अंदर। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, तो इसको हम बोल सकते हैं T1, इसे बोल सकते हैं T2, ट्रांजिशन टेम्परेचर 1 ट्रांजिशन टेम्परेचर 2। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वैसे तो देर इज लेस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि अब हमारे पास जो सॉल्यूट था वो किसकी फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में, और ये क्या होते हैं इनकंप्रेसिबल, तो प्रेशर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और इफेक्ट होगा भी बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl प्लस वाटर, इसके अंदर अगर 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब जाकर 2.3% इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। तो आप देख सकते हो वेरी लेस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।